ये देखो यार, ये कौन चुप गया? ये गोबर, यहाँ से गोबर उठाऊंगी। तो आज की वीडियो मेरी आपके लिए बहुत ज्यादा ही खास है, क्योंकि आप आज की वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट करें, सवाल करें, क्योंकि कल मैं Q&A पे वीडियो बनाऊंगी और आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो ये देखें, ये मैंने रंग भिगो के रख दिया था, तो आज मैं किचन को चिमकाऊंगी, यानी कि मैं किचन पे आज रंग करूंगी। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए ये चूना, तो मैं किचन को इसलिए रंग कर रही हूँ, इसे अच्छी तरह चिमका रही हूँ, क्योंकि मैंने इस किचन में जो मेरे गांव की रेसिपी मैंने बना के आपसे शेयर करनी है। और ये जो है किचन, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर में रहती हूँ, मैं अपनी अम्मी के घर का जो किचन है यही चिमका रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो मैं खुद भी ऐसा अपना खुद का किचन बना के वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये अम्मी का किचन है तो इसलिए बना रही हूँ कि आपसे मैं अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूं। तो अब ये देखें, ये चूना ये बहुत ज्यादा हो गया था, ये देखें, और इसको निकाल के इस साइड पे इस बाल्टी में डाल देती हूँ। तो ये जो रंग है बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया था, तो इस बाल्टी में डाल के इसको पतला करती हूँ। नूर फातिमा पानी ले आओ। तो ये देखिए नूर फातिमा पानी भी लेकर आ गई है, तो ये पानी इसमें डाल देती हूँ। तो अच्छी तरह मैंने पानी डाल दिया इसमें, अच्छी तरह इसे मिक्स करती हूँ ताकि इसमें जो फिटकड़ियाँ ना रह जाएं। अगर जो दीवार पे जब रंग करूंगी तो ये फिटकड़ियाँ नजर आएंगी। तो मैंने रंग तैयार कर लिया है और चलती हूँ उधर दीवार पे, इसे लगा के देखती हूँ, चेक करती हूँ कि ये कैसे बना है, गाढ़ा है कि पतला है। ये देखें, यहाँ से मैंने रंग कर लिया है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये व्हाइट कलर। तो ये जो डिजाइन है इसमें मैंने और रंग करना है, वो अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो रंग लूंगी और ये जो डिजाइन बना हुआ है इसमें वो रंग जो भरूंगी वो भी आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो यहाँ से तो रंग कर लिया है और नीचे से इसकी लिपाई करनी है मट्टी और गोबर के साथ। तो ये देखें, ये कच्ची मट्टी के रोड़े इसे कूटूंगी, ये देखें इन्हें कूटूंगी, कूट के बारीक करके। तो इस डंडे के साथ मैं इनको तोड़ूंगी। तो मेरे पास फुर्सत तो नहीं थी, मैंने अम्मी के घर में कच्चा किचन बनाया है, तो जब अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो मैं पक्का किचन जरूर बनाऊंगी। तो मैंने इसको बहुत ज्यादा खूबसूरत बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग पक्का किचन बनवा के उसे खूबसूरत बनाते हैं। तो दो नहीं करो, हाथ पे लग जाएगी, उठ लो इधर से उठो। तो मेरे पास अगर फुर्सत होती होती तो मैं इसे भी पक्का बनवा लेती, तो अभी मेरे पास फुर्सत नहीं थी, तो मैंने खुद ही इसे कच्चा बनाया है। तो ये जो मैंने इसके ऊपर चूना किया है, जब बारिश आएगी, अल्लाह पाक जब बारिश देगा ये सारा चूना खत्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा कर लूंगी, क्योंकि गरीबों के पास यही कुछ होता है। अगर कच्ची जैसे कच्चे मकान हो, अगर टूट जाए तो वो फिर दोबारा बना लेते हैं, मैं भी ऐसे करूंगी। और अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जब ये टूट जाएगा, ऊपर से रंग भी खत्म हो जाएगा, ये टूट जाएगा, फिर मैं पक्का बनाऊंगी, अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं ऐसे कच्चा बनाती रहूंगी और ऐसे टूटता रहेगा। तो ये देखिए इनको तो फूट लिया है, अब गोबर लेकर आती हूँ। चलते हैं, साथ ही हमसाए हैं, उनके बहुत ज्यादा जानवर हैं, तो उनके जानवरों का जो गोबर है वही लेकर आते हैं।
गोबर इसलिए लेने के लिए जा रही हूँ, इसलिए इस गारे में मिलाऊंगी। ऐसे भी तो गारा लगा सकती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लगाऊंगी, लिपाई गारे की ऐसे नहीं करूंगी। गोबर साथ में मिक्स इसलिए करूंगी ताकि ये जो इसकी लिपाई करूंगी ये अच्छी तरह मजबूत हो जाए। गोबर के साथ मट्टी जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। अगर गोसा मिलाए तो उतनी मजबूत नहीं होती जितनी गोबर मिलाने में मट्टी मजबूत हो जाती है, तो इसलिए गोबर लेने के लिए जा रही हूँ। तो ये देखिए ये पहुंच चुके हैं, ये गोबर, यहाँ से गोबर उठाऊंगी। मैंने कभी भी गोबर नहीं उठाया, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार उठा रही हूँ। बहुत ही अजीब लग रहा है, वैसे मन भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। जैसे ये गारा इस मट्टी को, तो ये बहुत ज्यादा ही गरीब है और इनके अब्बू भी बहुत ही ज्यादा गरीब है। ये अपने नानू के, मतलब के जो इनकी नानी नानू है, उन्होंने जगह दी है, उन्होंने इनका एक ही बस छोटा सा कमरा है उसमें रहते हैं। ये तकरीबन तीन बहने, दो बहने हैं, आप कितने बहने हो? दो बहने और दो भाई हैं, चार बहन भाई हैं और बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। कभी इनको खाने की रोटी होती है, कभी कुछ नहीं होती। तो ये मट्टी, अब ये घर बनाना शुरू करती हूँ। ये इस थार में डाल के फिर इसे भिगो के रख देती हूँ पानी डाल के। तो थाल में मिट्टी डाल दिया, अब इसमें पानी डालती हूँ। तो सारी मिट्टी मैंने थाल में डाल दिया है, तो इसमें पानी डाल के रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिट्टी में भी और गोबर में भी तो ये देखें, इसमें भी पानी डाल के रख दिया है। और ये जो दीवार है उस दीवार पे तो रंग कर दिया है, और ये जो दीवारें बची हुई हैं इन पे भी रंग कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह सारा जो मेरा किचन है बिल्कुल ये वैसे तो किया हुआ है, लेकिन ये अलग लग रहा है क्योंकि वो पुराना लग रहा है और ये न्यू लग रहा है, तो इसलिए इन पे भी न्यू रंग कर देती हूँ। तो पहले इस पे झाड़ू लगाऊंगी जो इसके ऊपर मट्टी खड़ी हुई है, अच्छी तरह पहले से साफ करूंगी। तो अच्छी तरह से मैंने झाड़ू लगा के मिट्टी को साफ कर दिया है मिट्टी को, और अब रंग करना शुरू करती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए मैंने रंग कर दिया है, और जो अभी भी किया है वो ये कलर है और जो पहले वाला था वो ये है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये किचन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसकी अब मैं नीचे से रिपाई करूंगी। गारा भी तैयार हो चुका है और ये गोबर को भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, तो अब इसको गारे को इसमें मिक्स करूंगी और इसमें भूसा भी डालूंगी ताकि। तो ये देखिए गोबर को मैं गारे में डाल रही हूँ, मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ, और ये भूसा भी साथ में मिक्स करूंगी। अरे इसे अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ, फिर भूसा डालूंगी। तो ये देखें मैंने इसमें भूसा भी मिक्स कर दिया है, तो ये देखें मैंने इसमें भूसा भी मिक्स कर दिया है और गोबर को भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो ये पानी
हल्का हल्का पहले इसमें पानी नीचे जमीन पे मारूंगी ताकि ये घर अच्छी तरह लगे। इसी तरह हम नीचे का जो नीचे की जगह है इसी तरह इसकी लिपाई करूंगी ताकि ये जो अच्छी तरह जैसे कि मट्टी है ये उखड़ जाती है लागे लागे, तो अच्छी तरह ये मजबूत हो जाए। जैसे कोई बर्तन रखते हैं तो जब उठाते हैं तो नीचे मट्टी लग जाती है, तो इसीलिए इसकी गोबर और भूसा साथ में मिक्स किया है तो ये अच्छी तरह ये जो जमीन है ये पक्की हो जाएगी। मैंने इसकी इसके फर्श की लिपाई भी कर दी है अच्छी तरह से। अपने कच्चे किचन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना लिया है और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने अपनी रेसिपी बनाने के लिए आज मुकम्मल किचन को तैयार किया है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, सुबह से इसके ऊपर मेहनत कर रही थी, तो मुझे शुक्र है कि मैंने ये इस मुकम्मल कर दिया है। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।